बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज का व्लॉग है मिराकल्स ऑफ जीसस इन गलीली। दोस्तों, इस व्लॉग को बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे इसका पता था। जब मैं अर्ज़ मुकद्दस मूसा अलैहिस्सलाम की सरजमीन की ज़ियारत करके वापस जीटी रोड पर पहुंचा, तो मैं एक रेस्टोरेंट समझते हुए इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। चूँकि मुझे प्यास लगी हुई थी और मैंने पहले भी अर्ज़ किया अपनी वीडियो में कि कोरोना का दौर दौरा है, होटल्स रेस्टोरेंट्स हर चीज़ बंद है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती। तो जब मैं इस गैलरी में एंटर हुआ तो इसकी लाइटें ऑफ थी। एक इंतजामिया का बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो उसने बगैर मेरे कुछ कहे मेरी हालत को देखते हुए, चूंकि मैं 3 किलोमीटर पैदल सफर करके इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था, तो उसने मुझे फौरन पानी पेश किया। मैंने पानी पिया, उससे बातचीत की और मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज है। तो उसने मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की जो चीज़ें हैं उन्हें तस्वीरों की शक्ल में, यानी उनके जो मराकल्स हैं उन्हें तस्वीरों की शक्ल में पेश किया गया है और अक्वाम आलम की एक बहुत बड़ी तादाद इन पर यकीन रखती है, इनको मानती है और इनकी ज़ियारत करती है। गलीली दरअसल जॉर्डन में तो नहीं, ये इसराइल में वाकया है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन चूँकि यहाँ पर अर्द मुकद्दस मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने क्रिश्चियंस लोग भी आते हैं, तो उनके लिए हमने ये आर्ट गैलरी बनाई है। विजिटर यहाँ पर आते हैं और वो इसकी भी ज़ियारत करते हैं, इसको भी देखते हैं और उनका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी होता है। तो दोस्तों, मैंने तारीख में कुछ वाक़यात पढ़े हुए थे, मैं वहाँ पर बैठ गया और कुछ मैंने अपने जहन में सोचना शुरू किया और फिर इसकी मैंने शूटिंग शुरू की। साथ साथ दोस्तों, जितना मुझे इल्म है मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करता हूं। पहले थोड़ा सा क्रिश्चियंस के हवाले से, यहूद के हवाले से मैं इस पर बात करूंगा और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी तो मैं कुरान के मुताबिक इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलती कुताही हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गलीली दरअसल एक कस्बे का नाम है जो समंदर के किनारे वाकया है, यानी लैन एंड लैनन मिनिस्ट्रीज रिटर्न ऑफ जीसस, जिस को यहूदी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और वो हमारे नजात दहिंदा होंगे। वो इस इंतजार में बैठे हैं, उन्हें डेट का पता नहीं कि कब वो आएंगे। गोस्पेल में और बहुत सारी किताबों में, हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलता है। दरअसल गलीली नॉर्दर्न इसराइल में वाकया है। अगर इसके नक्शे पर गौर किया जाए तो ऊपर की तरफ लेबनान और फिर नीचे अपर गलीली और उससे नीचे लोअर गलीली, लेफ्ट साइड पर देखें तो गुलान हाइट्स हैं, नीचे की तरफ देखें तो जॉर्डन का इलाका पड़ता है, लेफ्ट पे जाएं तो समंदर है और फिर इसराइल का प्लेन एरिया बनता है। तो इस तरह गलीली में क्रिश्चियंस बरादरी की भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो भी मजहबी तौर पर उससे मोहब्बत और उन्स रखते हैं। वो इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बहुत सारा वक्त गुजारा। वो दरअसल उस ज़माने की एक मिनिस्ट्री थी, एक बादशाह थी वहाँ पे, एक हुकूमत थी। वो तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि गलीली के इर्द गिर्द 204 देहात थे। वो सारी आबादी उस हुकूमत के अंडर थी। जब उस्मानी तुर्कों ने इस सरजमीन पर कब्जा किया तो इसका नाम अलजलील रख दिया, गलीली का नाम अलजलील रख दिया, अरबी में से अलजलील कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने तारीख में यह भी पढ़ा कि वहाँ जैतून के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। आज भी जो रिसर्चर हैं इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं कि गलीली उस ज़माने में क्या था, अब क्या है और अब इसकी जियोग्राफिकली पोजीशन क्या है, इसकी अहमियत क्या है।
तो पूरी दुनिया की ईसाई और जूस दुनिया की इसके ऊपर आज भी तवज्जो मरकूज है। और गलैली जो है वो नादरन इसराइल में इसका दावा किया जाता है कि नादरन इसराइल का एरिया है। गलैली इंग्लिश का एक लफ्ज है और यहूद का ये दावा है कि संतलत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उनका एक बादशाह गुजरा है उसको अता की और उस बादशाह की बेटी से दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिसको वो डेविड कहते हैं उन्होंने शादी की, तो फिर ये सरजमीन उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम को यानी गिफ्ट कर दी। आज भी गलैली के इर्द गिर्द स्मॉल टाउन के आसार मिलते हैं कि ये उस जमाने में तकरीबन जो मैंने पहले बताया कि 200 से ज्यादा देहात बनते हैं उस पर ये गलैली मुश्तमिल था, उनके आसार नजर आते हैं। और अब जदीद आबादी वहां पर शुरू हो चुकी है। ये कब शुरू हुई इसका मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन इसका जलील नाम उस वक्त पड़ा जब खिलाफत उस्मानिया ने इस पर कब्जा किया और इस इलाके का नाम अजलील रखा। दोस्तों, क्रिश्चियन बरादरी के मुताबिक जिन तस्वीरों में पेश किया गया है वो ईसा अलैहिस्सलाम के मिराकल्स हैं, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़हूर पज़ीर हुए, जिनमें एक बड़ी चीज़ वो ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, जो रूह है उसको पाकिजगी बख्शते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम पर उनका ईमान है कि वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक पैगंबर हैं। हम चूंकि मुसलमान हैं और हमारा आखिरी किताब कुरान पाक पर यकीन है और जो कुछ कुरान पाक में उस पर हम ईमान रखते हैं। जब कुरान पाक की स्टडी की जाए, कुरान पाक को देखा जाए, तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के 6 मिराकल्स नुमाया तौर पर नजर आते हैं, जो सूरह अल माईदा, आल इमरान और सूरह मरियम में दर्ज हैं। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। पहला मौजजा जो कुरान पाक की सूरह अल माईदा में दर्ज है वो इस तरह से है, टेबल लेडन विद फूड, यानी टेबलों का लग जाना अल्लाह की तरफ से खाने पीने की अशिया, जिसको कुरान ने अख्वान और ख्वान का नाम दिया है। और वो इस तरह से दर्ज है कुरान पाक में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, यानी जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बेटे, तो अपने अल्लाह से कह कि हम पर अख्वान आसमान से नाजल करे ताकि हम खाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डरो अल्लाह से, तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? तो हवारियों ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि नबी, ए अल्लाह के बेटे, हम इसलिए कहते हैं कि हमारे दिलों को सुकून मिल जाए और जो आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, हमें इसका यकीन हो जाए। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह, हमारे ऊपर अख्वान नाजिल फरमा ताकि वो हमारे लिए ईद का दिन हो और हमारे पीछे जो आने वाले लोग हैं वो इन निशानियों को याद रखें और तेरी तरफ से जो रोजी तूने हमें दी है, और बेशक तो बेहतर रोजी देने वाला है, तेरा शुक्र अदा करें। तो दोस्तों, ये था ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजदा जो कुरान पाक में दर्ज है। तो दोस्तों, दूसरा मराकल, दूसरा मौजदा जो ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में दर्ज है, गालबन आल इमरान में इसका वाक्या मिलता है कि वाइल स्टिल दी क्रेडल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दी कि वो लोगों से बात करेंगे माँ की गोद में, पंगुड़े में, और अपनी माँ की सच्चाई बयान करेंगे। जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि ईसा मरियम का बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की तो शादी ही नहीं हुई, तो जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ले के अपने लोगों के सामने आई तो लोगों ने पूछा, क्या है मरियम, ये तेरा बेटा कहाँ से हो गया? तो आपने कहा, इशारा किया किसी से पूछ लो। तो तब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी और लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मुझे किताब दी गई है, मैं उसका नबी हूँ, उसका बंदा हूँ, ये मेरी माँ है, ये पाक दामना है, आप इसकी तरफ कोई ऐसी बात ना करो
जो इसे दुख पहुंचे, मैं सारी जिंदगी जब तक खत्म नहीं होती अपनी माँ का ताबिया रहूंगा, और इंशाल्लाह मैं साले और नेक लोगों में से हूं। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं और तुम्हारी तरफ पैगाम लेके आया हूं कि आप लोग सच्चाई को तस्लीम करें और मेरी बातों को माने। तो ये था दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजजा कि आपने बचपन में माँ की गोद में पंगोड़े में और नौजायदा हालत में लोगों से बात की और अपनी माँ की पाक दामनी की शहादत लोगों के सामने पेश की। दोस्तों तीसरा मौजजा, तीसरा मराकल जो कुरान पाक सूरह आले इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा गया है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया जो कुछ इस तरह से है कि एंड इट बिकम्स बर्ड, यानी परिंदों का जिंदा होकर हवा में उड़ जाना। तो कुरान पाक में इसका जिक्र मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से जानवरों की परिंदों की सूरतें बनाते थे और उस पर फूंक मारते थे तो वो हवा में उड़ने लग जाते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते थे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का दिया हुआ एक इनाम है कि मैं मट्टी से सूरतें बनाता हूँ और उस पर फूंक मारता हूँ, वो फिर परिंदे हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा मौजजा ये था कि आप मिट्टी से परिंदों की सूरतें बनाते थे और फिर उस पर अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते थे तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते थे। तो ये था तीसरा मौजजा जो कुरान पाक की सूरह आले इमरान में हमें मिलता है। और दोस्तों जिन मौजजात का मैं जिक्र कर रहा हूँ इनकी झलक इन तस्वीरों में भी नजर आती है, और जो क्रिश्चियन के हवाले से मौजजात वो बड़ी तफसील में है, ईसा अलैहिस्सलाम से ज़हूर पज़ीर हुए उनकी भी उन्होंने इन तस्वीरों की सूरत में मंजरकशी की है, लेकिन हम बात कुरान पाक ही की करेंगे। चौथा मौजजा जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता फरमाया वो ये था कि हीलिंग द ब्लाइंड एंड लीपर, कि आप मादरजाद आंधे और कोड़ी को ठीक कर देते थे, वो भी अल्लाह के हुक्म से। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ठीक कर देता हूँ जो आंधा पैदा हुआ हो पैदाइशी तौर पे और जो कोड़ी हो उनको मैं शिफा बख्शता हूँ। तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, आप कोड़ियों के लिए दुआ फरमाते थे, आंधों के लिए उन्हें फूंक मारते थे, उनके लिए दुआ फरमाते थे जो पैदाइशी तौर पर आंधे होते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते थे। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और आपको मानने लग गए। एक बहुत बड़ी तादाद ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की थी जिन्हें हवारियों के नाम से कुरान पाक में बयान किया गया है, वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, मुखलस थे, सच्चे थे, और उन्हीं साथियों के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मामलात चलते थे, और उसके अगेंस्ट एक हुकूमत भी थी जो इन चीज़ों को नहीं मानती थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती पर उतर आए। तो फिर कुरान में भी इसका जिक्र है कि कैसे अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनसे महफूज रखा, क्योंकि उस जमाने में स्लीब की मौत जो थी एक जिल्लत ही मौत थी, तो वो चाहते ये थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ये जो नई नई बातें लेकर आए हैं और जो हमें रहबानियत से और जो हमें इस मजहब से बेजार करते हैं और एक नया दीन हमारे सामने पेश करते हैं, उनमें मफाद जो थे वो वाबस्ता नहीं थे, और वो चाहते ये थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी बातें ना करें जो हमने अपने मजहब के मुताबिक सीख रखा है और जो हम करते हैं और जो हमारे नजरियात हैं उनको वो तस्लीम करें। तो आपने अल्लाह का सच्चा सच्चा पैगाम सुनाया और लोगों को बताया कि लोगों मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूँ, एक बंदा हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ें बताने आया हूँ, जो जो गलत चीज़ें तुम करते हो उनसे मना करने आया हूँ, कुछ चीज़ें तुमने अपने ऊपर हराम कर ली, कुछ तुमने अपने आप घड़ के रख ली हैं, इनसे बाज आ जाओ और जो मैं बात कहता हूँ उसको मानो। तो दोस्तों पांचवा जो मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दिया वो ये था कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे, उन्हें हया बख्शते थे, उन्हें हयात बख्शते थे, उन्हें जिंदा कर देते थे, वो भी इसलिए कि लोग यकीन करें कि अल्लाह का नबी है और अल्लाह पाक ने से खसूसी अपनी रहमतों से नवाज रखा है। तो ये मौजदा ईसा अलैहिस्सलाम का था, द रिसेक्शन ऑफ
जी डेड के मुर्दों को जिंदा करना, वो भी ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में जैसे नजर आता है जैसे हम पढ़ते हैं फरमाया, और अल्लाह के हुक्म से। कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं अपने तौर पे ये सब कुछ करता हूँ। आले इमरान में इसका वाकया मिलता है कि अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं, मैं अपने अल्लाह के हुक्म से ये करता हूँ इसलिए कि तुम लोग मान लो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो मैं कहता हूँ वो सच है, जो मैं कहता हूँ वो सच है। तो दोस्तों छठा मौजजा जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान पाक में मिलता है, द प्रोविजन ऑफ टूडे एंड टुमारो, यानी इसका मतलब ये है कि मैं आज और कल के बारे में भी जानता हूँ, जो अल्लाह पाक ने मुझे बताया, जो सिखाया, जो इलम दिया। और मैं बता देता हूँ कि जो तुम खा कर आते हो, जो तुम घरों में जमा कर कर रखते हो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, बल्कि कुरान ने फरमाया दोस्तों कि ये अल्लाह की तरफ से निशान है, अगर तुम यकीन रखो कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बताते हैं कि तुम क्या खा कर आए हो, घरों में क्या जमा कर रखा है तुमने, तुम्हारे पेटों में क्या है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, अगर तुम इस पर गौर करो। ये भी फरमाते थे कि जो किताब तौरात जो सच्ची है, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है जो मुझसे पहले की है, उसमें जो तुमने अपनी तरफ से चीजें हराम कर दी हैं मैं उन्हें हलाल करूं, अल्लाह के हुक्म से वो चीजें तुम पर हलाल करूं। ऐ लोगो मेरी बात मानो, मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का बंदा हूं, मुझे ऐसे ऐसे लकाब ना दो, मैं एक इंसान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, वो तुम्हारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में आया हूं। तो ये था ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान पाक में जिक्र। और अब दोस्तों कुछ और कुरान पाक से मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम में दर्ज है। तो दोस्तों सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुछ इन अल्फाज में होता है, जो तकरीबन मेरा ख्याल है 15 या 16 आयत से शुरू होती है कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो इस किताब में कुरान पाक में लोगों से मरियम का किस्सा बयान कर, और सिलसिला कलाम का आगाज इस वक्त से कर जब वो खानकाहियत की जिंदगी को छोड़कर अपने गो नासरिया यानी शर्किया, मकान शर्किया का एक लफ्ज कुरान पाक में मिलता है, चली गई थी वहां से यानी मशरक की सिमत। तो उस जमाने में दोस्तों खानकाहियत की जिंदगी और वहां के जो वाकियात थे, जो राहबों के वाकियात थे, वो मरियम अलैहिस्सलाम के दिल पर इतना असर छोड़ गए थे कि वो अपने लोगों से तंग आकर अलग तलग होकर एक मकान में जा बसी और वहां पर अल्लाह की इबादत करने लगी। तो दोस्तों तो जब मरियम अलैहिस्सलाम उस मकान में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थी, तो एक रात आपको ख्वाब में एक इंसान नजर आया कि ऐ मरियम, मरियम उसे देखकर घबरा गई। इसने कहा अगर तू खुदा के कानून का एहतराम करता है, मैं तुझसे खुदा रहमान की पनाह में आ जाना चाहती हूं। इसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो तेरे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ बंदा हूं, एक फरिश्ता हूं जो तेरी तरफ एक पैगाम लेकर आया हूं, और पैगाम ये है कि तुझे वो नहायत नेक और साला बच्चा ता करेगा, यानी अल्लाह पाक आपको एक बच्चे से नवाजेंगे। तो दोस्तों इस पर मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब तक मैं हैकल में रही, पाक बाज रही, यहां आई तो अल्लाह अल्लाह करती हूँ, लोगों से अलग थलग होकर बैठती हूँ, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो इस पर उसने कहा कि अल्लाह जैसे चाहे वैसे करता है, तो इसका फिक्र ना कर, अल्लाह पाक ये सारे इंतजाम कर देगा और वो तुझे एक नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। पैगाम देने वाले ने यह भी पैगाम दिया कि ऐ मरियम तो फिक्र ना कर, तेरे अल्लाह ने तेरे लिए ये हुक्म भेजा है कि वो बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं होगा, वो हमारी तरफ से लोगों के लिए मौजबे रहमत होगा, हक व बातिल के परखने का निशान होगा, जो शख्स इसकी नबूवत पर ईमान लाएगा वो हक पर समझा जाएगा, जो शख्स इससे इनकार करेगा वो बातिल पर होगा।
ये बात तय शुदा है कि वो बच्चा हमारा पैगंबर होगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि वो बच्चा हम आपको अता करेंगे जो हक और बातिल में तमीज करेगा और हमारी तरफ से एक निशान होगा और अल्लाह पाक का भेजा हुआ एक पैगंबर, एक नबी होगा जो लोगों को हक व बातिल के मुताबिक हुक्म देगा और वो नेक और साले लोगों में से होगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार नजर आए तो दोस्तों वो अपना गांव छोड़कर कहीं दूर चली गई ताकि इसके बच्चे की विलादत हो ऐसी जगह पर जहां इसकी कोई जान पहचान ना हो, जहां कोई इसकी जान पहचान ना हो, और वहां जो लोग उसे ताना देते थे उनसे महफूज रहे। तो इसलिए मरियम अलैहिस्सलाम अपना गांव छोड़ के एक दूर दराज इलाके में चली गई। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि वो अपनी आबादी छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब बच्चे की पैदाइश का दोस्तों वक्त आया तो मरियम उस जंगल बियाबान में अकेली थी, तो अल्लाह का ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि यार मरियम तो फिक्र ना कर, ये खजूर का दरख्त जो तुम्हें नजर आ रहा है इसकी तरफ चले जा और इसकी टहनियों को पकड़ पकड़ कर हला, इससे खजूरें गिर पड़ेंगी, इसको खा ताकि तुम्हें कुछ तकवियत मिले और तेरे खाने पीने का इंतज़ाम भी हमने कर दिया। तो ये खजूरें खा और तेरे नीचे हमने पानी का एक चश्मा जारी कर दिया, इससे तो पानी पी। मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी काश कि मैं कोई बोली बिसरी हो चुकी होती ताकि मुझे लोगों की तानोजन का ये सामना ना करना पड़ता, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी अनायत की और मरियम के दिल को संभाला और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और फिर इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस घराने में पैदाइश। कुरान पाक में इसका जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि जब इस कर्बो यास के आलम में मरियम अलैहिस्सलाम को उस मकाम यानि नशेबी इलाके की तरफ जो आप गई थी आवाज़ आई कि ऐ मरियम घबराओ नहीं, इस तरफ एक खुशगवार पानी की नदी है और ये ऊपर खजूर के दरख्त हैं, पक्की हुई खजूरें हैं, इनके गोशे लटक रहे हैं, तूने हला वो गिर पड़ेंगी, वो तुझे खा, यानी इस पेड़ की शाख को जोर जोर से हला, ताज़ा और पक्की हुई खजूरें तेरी तरफ करीब आ जाएंगी, झड़ पड़ेंगी, गिर पड़ेंगी और फिर तूने खा। नदी का ठंडा पानी पी, फिर बच्चे के नज़ारे से अपनी आंखें ठंडी कर, बाकी रहा तेरा ये इस्तराब कि लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगी, तो तू फिक्र ना कर, तू मन्नत का रोज़ा रख लेना और अगर कोई आदमी तुझसे कुछ पूछे तो इशारे से कह देना कि मैं खुदाए रहमान के लिए अपने ऊपर रोज़ा वाजिब किए हुए हूँ, इसलिए मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। इस तरह दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा उस बच्चे को लेकर अपने लोगों में आई तो मरियम की यह हरकत देखकर लोग उस पर एतराज़ करने लगे कि इसने एक राहबा की ज़िंदगी गुजारी थी, हेकल के ज़ाबता कानून के खिलाफ, इस तरह ये कैसे हो गया कि एक बच्चे को लेकर ये यहाँ पर आ गई है। तो उन लोगों ने कहा जो कुरान पाक में दर्ज है कि ऐ उफ्ते हारून, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी ही माँ ने कभी किसी कानून की खिलाफ वर्जी की, तूने ये क्या कर दिया कि तू एक शरीयत एक मजहब परस्त पाबंद शरीयत घराने की लड़की, यानी वो उसको शरीयत समझते थे जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की मौजूद थी, तूने ये क्या किया। इसके जवाब में मरियम अलैहिस्सलाम कुछ ना बोलती बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर देती कि अपनी बात का जवाब इससे ले लो। बूढ़े अहबार राहब अपनी पेशवाइयत के घुमंड में नहायत तकबर से कहते कि क्या हम इससे बात करें जो अभी एक बच्चा है और जो तेरे झूले में है, जो बोल भी नहीं सकता। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बचपन में नौजायदा बच्चे की शक्ल में अपने माँ की सच्चाई की यानी मरियम अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही दी और फरमाया है लोगो, जो कुछ मैं कहता हूँ इसे बगोश होश से सुनो, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मनसफे
منصب نبوت پر سرفراز کیا ہے. اس نے مجھے زندگی کے ہر گوشے میں بابرکت بنایا. اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے خود ساختہ شریعت کی جگہ صلاۃ و زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم کروں, اور عمر بھر میرا یہی شعار رہے گا, میں اس پر قائم دام ہوں چاہے مجھے اس پر موت ہی آ جائے, چاہے آپ میرے خلاف جتنی مرضی سازشیں کر لو, میں تمہیں صلاۃ و سلام کا صحیح نظام پیش کروں گا. اس لیے میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں, ایک رسول ہوں, اس کا ایک بندہ ہوں, جو تمہاری خود ساختہ باتوں کو رد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچائی مجھے دی گئی ہے اس کو بیان کرنے آیا ہوں. تم میری پیدائش کو بھی قابل اعتراض سمجھتے ہو, تمہاری خود ساختہ شریعت کا فیصلہ ہے. جس خدا کا پیغام لے کر میں آیا ہوں اس کے نزدیک میری پیدائش بھی سلامتی کی مظہر ہے. میری ساری زندگی آخری دم تک سلامتی کی حامل ہوگی, اور حیات اخروی میں بھی میں امن و سلامتی میں ہوں گا. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی صحیح صحیح سرگشت, جس کے بارے میں یہ لوگ اس قدر اختلاف کر رہے ہیں کہ ایک گروہ یہود اس میں بھی تفریط ہے اس کی پیدائش تک کو قابل اعتراض ٹھہرایا, تو دوسرا گروہ عیسائی برادری کا ہے, وہ بھی اسے خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ عیسائی اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلطیوں میں پڑ گئے. وہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہ سمجھ سکے, اور نظریات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا, وہ گلیلی میں آئے گا اور یہودوں کی سرپرستی کرے گا اور انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. عیسائی برادری عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے لگی, تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں رد کی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قرآن پاک میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ میں لوگوں میں اللہ کا بیٹا نہیں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں اس کی طرف سے بلائی لے کر آیا ہوں, میں صلاۃ و زکوٰۃ کا نظام لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, اچھے اچھے کام کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بھی یہی کہا کہ مل کر جو یہ معجزات کا نزول ہوتا ہے ان سے تم کسی غلطی میں نہ پڑو, میں کو تو اللہ کا مرہون منت ہوں. جو اللہ میرا چاہتا ہے اور جو اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اسی کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. تو دوستو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا اور جس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. تفصیلیں بہت زیادہ ہیں قرآن کے مطابق, علماء اس کو بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو میں نے پڑھا, جو میں نے سمجھا اور جو واقعات تھے اس گیادری کو دیکھتے ہوئے جو میری سمجھ میں آئے, جو میرے ذہن میں آئے, تو دوستو وہ میں نے بیان کر دی ہے. انشاءاللہ واپس جا کر جب میں اس ویڈیو کو پروڈیوس کروں گا تو میں تحقیق کر کے اس گلالی کے بارے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا, تو آپ وہاں سے بھی اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان, اللہ حافظ, stay blessed, always be happy. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.